बांग्लादेश पर भारत की पैनी नजर, इस खास विमान से हो रही है निगरानी, सुलगते बांग्लादेश का चप्पा चप्पा, भारत की इस एजेंसी के निशाने पर बांग्लादेश की हर गतिविधि पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। हर क्षण और हर एक मिनट की अपडेट के लिए देश की एक एजेंसी के खास विमान से निगरानी की जा रही है। यह विमान आसमान से ही बांग्लादेश की हर गतिविधि पर नजर रखेगा, साथ ही भारतीय सीमा की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां भी भेजता रहेगा। दरअसल भारत बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन को लेकर अलर्ट पर है। लगातार लोग बांग्लादेश छोड़कर कैसे भी करके भारत में घुसने की फिराक में है। भारत बांग्लादेश सीमा पर गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। हजारों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक हिंसा से बचने के लिए भारत की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं। सीमा पर बीएसएफ ने कड़ी चौकसी की है। एक भी घुसपैठ न हो इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर खास विमान की तैनाती कर रखी है। इसका नाम है ग्लोबल 5000 स्पेशल मिशन सिगेंट एयरक्राफ्ट। इसका इस्तेमाल रॉ करता है। बता दें कि खास बात यह है कि यह विमान सिग्नल इंटेलिजेंस जमा करने के लिए बनाया गया है। इसमें खास तरीके के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रिकॉन्सेंस सुइट लगे हैं। दरअसल जब से बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना ने देश छोड़ा है, तभी से ही वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर अपनी खबरें आ रही हैं। इसलिए इस खास विमान की तैनाती भी कर दी गई है। यह विमान असल में बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 बिजनेस जेट का मॉडिफाइड वर्जन है, यानी इसमें कई तरीके के डेटा जमा करने के यंत्र फिट किए गए हैं, खासतौर से इंटेलिजेंस डेटा। अपने आधुनिक गुणों के कारण यह हर तरीके की गतिविधि पर नजर रखने के लिए सक्षम है। इसमें EL-I-3001 एयरबॉर्न इंटीग्रेटेड सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया गया है, जिसे मशहूर देश इजराइल ने विकसित किया है। यह किसी भी तरीके के सिग्नल को ट्रैक कर सकता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो या फिर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला सिग्नल। इसकी खास बात यह है कि इस विमान में 16 यात्री जा सकते हैं। 96.10 फीट लंबे विमान का विंग स्पैन 94 फीट है। इसमें 17,804 किलोग्राम फ्यूल आता है। यह विमान 934 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जो अधिकतम ऊंचाई 51,000 फीट हासिल कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे लैंड करने के लिए सिर्फ 673 मीटर का रनवे जरूरी होता है। यानी कुल मिला दिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश की सीमा और बांग्लादेश पर खास नजर के लिए भारत का यह विमान अपने आप में एक वरदान साबित हो रहा है। इसके माध्यम से जहां नजर रखने में आसानी हो रही है, तो वही घुसपैठ को रोकने में भी बड़ी कामयाबी मिल रही है। बता दें कि बांग्लादेश से लगातार खबरें आ रही हैं और ऐसी खबरें हैं कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। कई दिनों से लगातार ये खबर आ रही है कि मंदिरों को भी टारगेट किया जा रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा जरूरी खबर ये है कि अल्पसंख्यकों को लेकर आखिर वहां की सरकार क्या कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें।